हेलो फ्रेंड, दिस इज हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं स्मार्ट हेमंत फॉर यू। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपना जो डिस्प्ले है इसका स्क्रीनशॉट आप किस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पोर्शन का स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं उसका स्क्रीनशॉट कैसे ले सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको कोई भी चीज़ खोल के बता देता हूँ, कोई भी पिक्स खोल के बता देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा कोई भी चीज़, यूट्यूब लोगो, ये पिक्स। ठीक है, पिक्स मैंने यहाँ पर सर्च कर लिया। ठीक है, तो आपको क्या होगा कि ये YouTube का इमेज पर हम लोग क्लिक कर देंगे तो इमेज आ जाएंगे। ठीक है, अब मुझे क्या, वैसे तो हम लोगों को क्या ये पिक्स वगैरह है, इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, केवल इसको यूज करना चाहते हैं YouTube को, तो आप किस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, केवल यहाँ पर ले सकते हैं, या फिर आप किसी और चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, या कुछ भी और किसी पर्टिकुलर पोर्सन का करना चाहते हैं तो उसको ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको कोई भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो आपकी कोई विंडो हो, तो यहाँ पर आप क्या, आपका जो सर्चिंग टूल है वहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा स्निपिंग टूल, SNIPPING स्निपिंग TOOL। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्निपिंग टूल आ गया, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। तो आप यहाँ पर स्निपिंग टूल पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, आप क्लिक कर देंगे तो देखो यहाँ पर हमारा बन के आ गया स्निपिंग टूल का ये बॉक्स बन के आ गया। तो यहाँ पर आपके बहुत सारे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं कि न्यू दिया हुआ है और मोड, मोड मतलब क्या है कि अगर आप रेक्टेंगुलर स्निप लेना चाहते हैं या विंडो स्निप लेना चाहते हैं, फुल स्क्रीन स्निप लेना चाहते हैं या फ्री फॉर्म स्निप लेना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं रेक्टेंगुलर बता देता हूँ आपको। ठीक है, अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ और आपको पहले फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। और यहाँ पर डिले का ऑप्शन मिल जाता है कि मतलब आपने जब उसको न्यू पर क्लिक किया तो आपको नो डिले या वन डिले, मतलब जब क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद आप कितना समय चाहते हैं कि एक सेकंड लगे या दो सेकंड या कोई भी डिले ना हो, तो नो डिले मैंने किया हुआ है। और यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, तो मैं सिंपल सा आपको अभी स्निपिंग टूल के बारे में बता देता हूँ। जैसे मैंने न्यू पर क्लिक किया, न्यू पर क्लिक करूंगा तो जैसे कि मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है इसका। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर मैंने क्लिक करके इसको क्लिक एंड ड्रैग किया। क्लिक एंड ड्रैग करने के बाद देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ रहा है और मैंने इसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद देख सकते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर आ गया। अब अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मॉडिफाई करने के लिए भी मिल जाता है, ये पेन मिल जाता है, पेन से अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, देखो यहाँ पर भी कुछ भी कैसा भी करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं इसमें, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको हाईलाइटर मिल जाता है कि अगर आप कुछ हाईलाइटर करना चाहते हैं तो, जैसे कोई भी चीज़ हाईलाइट करना चाहते हैं तो हाईलाइट कर सकते हैं। ये रबर मिल जाती है, अगर आप इसको इरेज करना चाहते हैं, जो आपने लिखा है गलत हो गया तो उसको इरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको 3D पेंट का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो इसको भी खोल के आप उसको कर सकते हैं। और अगर आप कॉपी करके कहीं पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कॉपी लिखा हुआ है, कॉपी कर दीजिए, कहीं भी आप पेस्ट कर सकते हैं, या सिंपल यहाँ पर सेव लिखा हुआ, सेव स्निप, तो यहाँ पर सेव कर सकते हैं आप। ठीक है, तो सेव पर मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेव करने का आ गया, तो मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ स्निपिंग स्निप SNIP सेव कर लिया, तो यहाँ पर मैंने सेव कर लिया, तो वहाँ पर हमारा सेव हो गया ये। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी चीज़ का पिक्स लेना चाहते हैं तो उसका पिक्स ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये फिर से खोल लिया और न्यू करना चाहता हूँ। देखो एक ये हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म था और हमें फ्री फ्रॉम स्निप कर लेता हूँ। ठीक है, तो फ्री हो गया और न्यू पर क्लिक किया। अब ये क्या है, मैं जितना भाग मैंने सर्किल किया है तो ये इतना आ गया। ठीक है, जितना आप फ्री फॉर्म करेंगे वो रेक्टेंगुलर का, और इसमें आपको सर्कल बनाना होगा, आप कितना भी पार्ट को आप सर्कल करेंगे उतना आपका स्निपिंग टूल आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं फिर से न्यू करके बता देता हूँ, जैसे कि मैं ये इतने दोनों को ले लेता हूँ। ठीक है, जितना पोर्शन आपको लेना होगा उतना आपको सेलेक्ट करना होगा। देखो मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो इतना दोनों पोर्शन आ गया। ठीक है, अब इसको एडिट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं कुछ भी एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मार्कर करना है तो हाईलाइट करना है तो यूट्यूब को मैं यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ येलो कलर से। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप स्निपिंग टूल का यूज कर सकते हैं, अपनी स्क्रीन का कोई भी पोर्शन को आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं स्निपिंग टूल से। ठीक है, तो इस वीडियो का मोटिव केवल आपको ये बताना था कि आप स्निपिंग टूल का यूज करके, ये प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, प्रत्येक विंडो में होता है, आप यहाँ पर सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, फिर उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको डेली कुछ नया सीखने को मिलता है, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।